वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि नवरात्रि आ रही है और सबको बहुत ही ज्यादा क्रेज है आजकल गरबा नाइट का, और गरबा नाइट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऑफ कोर्स योर आउटफिट, इसके साथ साथ आपकी ज्वेलरी एंड आपका मेकअप। मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी आई मेकअप। यस, और बिना अच्छे आई लुक के गरबे वाली नाइट वाला फील नहीं आता भाई। तो मैं क्रिएट करने वाली हूँ द वायरल चारकोल आईज, जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर के आम जनता भी पसंद करती है और सबको सूट भी करता है। मतलब कैसी भी आपकी आंखें हों, छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो आज हम क्रिएट करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा इजी वे में क्रिएट करेंगे। मतलब आपको भी यकीन नहीं होगा कि यार मैं भी ये कर सकती थी क्या। मतलब जब मैंने क्रिएट किया था तो मुझे तो ऐसी फील आई थी कि यार मैं कर सकती थी क्या। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ताम झाम की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आपको अपना पेंसिल वाला काजल चाहिए या फिर जेल लाइनर हो आपके पास, एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश, और आई वुड से छोटा सा कोई भी आई शेडो पैलेट हो जिसमें आपको थोड़ा सा कलर्स मिल जाए, न्यूड शेड्स, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है उस आई लुक को क्रिएट करने के लिए। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना आई मेकअप। बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टेप्स होने वाले हैं। मैंने कंसीलर लिया है अपने स्किन टोन का, उसको आईलिड्स पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, उसके बाद उसे वेट ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, कॉम्पैक्ट से सेट कर दिया है जिससे कि हमारा आई शेडो अच्छे से सेट हो। इसके बाद आपको बस डॉक्टर टेप लेना है, इस तरह से अपनी आईज पे प्लेस कर देना है दोनों साइड, जिससे आपका आई लुक बहुत अच्छा क्रिएट होगा, विंग का फील आएगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिशन शेड उठाया है जो कि ऑरेंज ब्राउनिश टोन का है थोड़ा सा, वो मैंने क्रीज लाइन पे अच्छे से लगाया हुआ है, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना। उसके बाद मैंने अपनी कोल पेंसिल उठाई है, उससे बिल्कुल जहाँ पे आपकी लैशेज होती है वहां से क्लोज करके बिल्कुल उस लाइन में रखा है, थोड़ा मोटा काजल लगाया है, जैसे आप मोटा काजल लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे लगाना है। अब एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश उठाना है और जो हमने काजल लगाया था बस उसको बहुत क्लोजली आई लैशेज के पास रखते हुए ही ब्लेंड करना है, और ज़्यादा फैला फैला करके नहीं ब्लेंड करना है। हम क्या करते हैं, पूरा बिल्कुल फैला देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं अपने काजल को या अपने आई शेडो को, वो नहीं करना है, बिल्कुल क्लोज रहना है लैश लाइन के, और उस तरीके से आपको धीरे धीरे आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लेकर के उस काजल को अच्छे से ब्लेंड किया है जिससे कि आपका काजल भी सेट हो जाएगा और स्मूथ प्रूफ रहेगा। एंड लास्ट में ट्रांजिशन शेड मैंने फिर से ऑरेंज वाला पिक करके अच्छे से स्मूदन कर दिया है क्रीज लाइन के ट्रांजिशन को। फिर मैंने लोअर वाटर लाइन को भी थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ब्लैक कलर के आई शेडो से ब्लेंड किया था नीचे वाटर लाइन पर, और मस्कारा लगाकर इस लुक को कंप्लीट कर लिया था। अल्टीमेटली मैंने ब्रोज को भी डिफाइन कर लिया था ब्लैक या ब्राउन कलर के आई शेडो को उठा करके। अब मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा हाईलाइटिंग भी कर दूँ, इनर कॉर्नर्स में मैंने थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर का हाईलाइटर उठा करके लगा लिया था, ब्रोज के नीचे भी लगा लिया था, तो फाइनल लुक मेरा हो गया कम्प्लीट। अब मैं गरबा खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना लुक कैसा लगा, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।